नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मित्रों, ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 29 फरवरी मित्रों जो आपका बायोलॉजी का एग्जाम होगा, 29 फरवरी मित्रों ये जो आपको बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, यदि आप ये वीडियो देखते हैं यहाँ से, यदि आप मित्रों पूरी तैयारी करते हैं, जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर मित्रों इसकी आप तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में सब धुआं धुआं करके आएंगे मित्रों, सब धुआं धुआं करके आएंगे, राइट। तो मित्रों यहां से आप तैयारी करिए और बोर्ड एग्जाम पूरा पूरा आप धुआं धुआं कर दीजिए। खास बात यह है मित्रों, यदि आप ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में मित्रों ये 95% लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता, राइट, कोई नहीं रोक सकता मित्रों कक्षा 12 का जीव विज्ञान। और खास बात यह है मित्रों, ये 100 नंबर पक्का आपका हो जाएगा इस वीडियो से, 100 नंबर पक्का, और इसमें कोई मित्रों दो बात नहीं है, ये आपको 100 नंबर पक्का आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। बस इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपको बता रहे हैं यदि आप इतनी तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में खींच के अच्छा खासा नंबर ले आएंगे। खास बात यह है मित्रों, बूंद बूंद से आप जानते हैं घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है मित्रों। अगर आप मित्रों ऐसे बूंद बूंद से घड़ा भरते रहेंगे, एक एक मित्रों ऐसे आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 95% पक्का आएगा और इसकी कोई दो राय नहीं है मित्रों। खास बात यह है मित्रों, खुद ही कुकर बुलंद इतना खुदा, हर तदबीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मित्रों अपने कर्म को इतना ऊंचा करना है, इतना ऊंचा करना है कि आपकी हर एक तदबीर लिखने से पहले आप ही से पूछे मित्रों बता तेरी रजा क्या है, आपको क्या चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में सब आएंगे, 2024 बोर्ड एग्जाम में मित्रों जो आज आपको हम बताएंगे सब आएंगे आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में, राइट। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो छात्र मित्रों अभी तक कोई तैयारी नहीं किए हैं, उनके लिए मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। खास बात यह है उन विद्यार्थियों के लिए भी मित्रों हमने ये क्वेश्चन बनाया है जिन्होंने अभी तक थोड़ा सा पढ़ा है मित्रों, जिन्होंने अभी तक थोड़ा सा पढ़ा है उन विद्यार्थियों के लिए मित्रों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी है मित्रों जो अभी तक थोड़ी सी पढ़ाई किए हैं। ऐसे बहुत ही स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर मित्रों आते हैं, बोलते हैं सर अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है, कोई तैयारी नहीं की। तो उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंटों को हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और यहाँ से तैयारी करना चाहिए। खास बात यह है मित्रों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाला है मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाला है, राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 29 फरवरी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, यहाँ से आप जीव विज्ञान अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तैयारी करके आएंगे। अब मित्रों यहाँ पर देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ पर देखिए परागण क्या है, पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन कीजिए, जीवी परागण कर्म के बारे में उल्लेख कीजिए। मित्रों परागण क्या है, परागण मित्रों आप अपने बायोलॉजी की NCERT बुक उठा लीजिए या फिर सीरीज उठा लीजिए, आप देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीरीज में जरूर मिल जाएंगे। आखिर में परागण क्या है, पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन करना है, जीवी परागण के कर्मों के बारे में उल्लेख कीजिए, यह है क्या मित्रों। जीवी परागण, परागण क्या है मित्रों, इसे इंग्लिश में पोलिनेशन कहा जाता है, पोलिनेशन, व्हाट इज पोलिनेशन, परागण का एक पुष्पी पादक के वर्तिकाग्र तक जाने की घटना को परागण कहते हैं। मित्रों जरा आप ध्यान दीजिए, परागण की क्रिया है क्या, जैसे मित्रों ये दो पुष्प हैं, राइट, ये नर है और मित्रों ये मादा का वर्तिकाग्र है, ठीक। यहाँ के इसके जो पराग के कण होंगे मित्रों, जब मादा के वर्तिकाग्र पराग के गिरते हैं तो धीरे धीरे मित्रों यहाँ अंडाशय में प्रवेश कर यहाँ पर बीज का निर्माण करते हैं, इसी क्रिया को परागण कहते हैं। एक बार फिर आप समझिए परागण क्या है, हमने कहा क्या, परागण का पुष्पी पादप के वर्तिकाग्र तक जाने की घटना को परागण कहते हैं। जरा आप समझिए, जैसे एक पुष्प है, ठीक, एक पुष्प है और ये मित्रों ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है, ठीक, वर्तिका है,
और ये पुष्प है ऐसे, और यहाँ पर ये छोटे छोटे मित्रों पराग कण हैं। ये किसी हवा के द्वारा या जीव के द्वारा, जंतु के द्वारा, पक्षी के द्वारा जब ये पराग कण यहाँ पर वर्तिकाग्र, मादा के वर्तिकाग्र पर आते हैं, वर्तिकाग्र से होकर यहाँ मित्रों अंडाशय में आते हैं, जहाँ पर इसके निषेचन की क्रिया होती, यही क्रिया परागण कहलाती है, राइट। अब मित्रों यहाँ पर देखिए, आवृत बीजी पादप एक लिंगी एवं उभय लिंगी, आवृत बीजी पादप एक लिंगी एवं उभय लिंगी होते हैं। मित्रों देखिए, एक लिंगी और उभय लिंगी या द्विलिंगी का मतलब क्या है? एक लिंगी मतलब ऐसा पुष्प मित्रों जिसमें केवल नर ही नर हो, उभय लिंगी मतलब द्विलिंगी, ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित हो। जैसे गुड़हल, गुड़हल एक ऐसा पुष्प होता है जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, जिसके आधार पर परागण की प्रक्रिया इस जिसके आधार पर परागण की प्रक्रिया इन पौधों में अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही मित्रों? देखिए, अगर एक लिंगी पुष्प है तो परागण की क्रिया जब होगी, दूसरा कोई वृक्ष की टहनी होगा, वहां से परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आएंगे। उभय लिंगी है तो उसी में नर भी होगा मादा भी होगा, तो नर के अंदर परागकण होगा, वहीं से परागकण निकलेंगे और उसी के थोड़ा साइड में मादा का वर्तिकाग्र होता है, वहां पर जाके बैठ जाएंगे और निषेचन की क्रिया हो जाएगी, ठीक। अब देखिए मित्रों, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आता है स्व परागण क्या है। स्व परागण, सेल्फ पोलिनेशन, आखिर में स्व परागण क्या है, व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन, ये है क्या? जब पराग कण एक ही पादप के एक पुष्प से दूसरे पुष्प या एक ही पुष्प के पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस घटना को स्व परागण कहा जाता है। स्व परागण को भी निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। अब मित्रों आप जरा ध्यान दीजिए, स्व परागण क्या है? स्व परागण मित्रों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागण की क्रिया ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है, यहाँ कराना नहीं पड़ता। इस क्रिया को सेल्फ पोलिनेशन अर्थात स्व परागण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों है स्वयुग्मन, आखिर में स्वयुग्मन है क्या? इस चीज़ को हम लोग को मित्रों समझना चाहिए, स्वयुग्मन ऐसी कौन सी घटना होती है जो स्वयुग्मन कहलाती है। इस प्रकार की स्व परागण प्रक्रिया में एक ही पुष्प के पराग कण वर्तिकाग्र तक जाते हैं। मित्रों देखिए, स्वयुग्मन क्या है, इस चीज को जरा समझिए। इस प्रकार की स्व परागण प्रक्रिया में देखिए, स्व परागण दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में, एक मित्रों है स्वयुग्मन और दूसरा आपका आ जाता है, यहाँ पर देखिए दूसरा आपका आ जाता है सजात पुष्पी परागण, राइट। तो एक एक करके मित्रों हम लोग इसे समझते हैं आखिर में है क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वयुग्मन क्या है। इस प्रकार की परागण प्रक्रिया में एक ही पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक जाते हैं। मित्रों ये जो परागण स्वयुग्मन क्या है, एक ही पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ऐसे पुष्प को उन्मील परागणी पुष्प कहा जाता है। इन्होंने स्वयुग्मन छीण होता है, इसमें मित्रों जो स्वयुग्मन छीण होता है, कुछ प्रजातियां जिनमें वर्तिकाग्र तथा पराग कोश कभी नहीं खुलते हैं, उन्हें उन्मलीय परागणी पुष्प कहा जाता है। ऐसी प्रजातियों को स्वयुग्मन अधिकार होता है। नेक्स्ट मित्रों आ जाता है सजात पुष्पी परागण, इस चीज को भी आपको समझना चाहिए ये क्या है। इस प्रकार के स्व परागण प्रक्रिया में एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के परागकण तक जाते हैं। देखिए जरा समझिए, इस प्रकार के स्व परागण प्रक्रिया में एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के परागकण तक जाते हैं। इस प्रकार का परागण है जो कि एक कारण द्वारा संपन्न होता है, लेकिन परागकण एक ही पादप के पुष्प से आते हैं, जिससे यह स्वयुग्मन की भांति कार्य करता है। तो मित्रों जरा आप समझिए, इस प्रकार की स्व परागण प्रक्रिया में एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के परागकण तक जाते हैं। मित्रों उसमें हमने बताया एक ही पुष्प होगा, उसी में परागकण उसी के मादा पे होगा, यानी एक ही पुष्प में नर मादा दोनों है। यहाँ देखिए अलग अलग है, यहाँ क्या है,
एक ही पादप के एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प, देखिए दूसरे पुष्प के परागण तक जाते हैं, मतलब दूसरे पुष्प तक जाएंगे। एक पुष्प से नर से परागण निकलेंगे, दूसरे पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस प्रकार का परागण पर परागण जो कि एक कारण द्वारा संपन्न होता है, लेकिन परागकण एक ही पादप के पुष्प से आते हैं, जिससे यह स्वयुग्मन की भांति होता है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।